टीना और प्रियंका एक दूसरे से बात करती नजर आई, जिसमें टीना ने कहा कि तुम्हें पता है कि शालीन क्यों मुझे कहता है कि पर्सनल मत होना, क्योंकि मैं ऐसा काफी कुछ जानती हूँ कि अगर कुछ कह दिया तो उसका मुंह दिखाना मुश्किल हो जाएगा। प्रियंका भी इस राज को जानने में काफी दिलचस्पी दिखाती है, जिसके बाद एक एक करके टीना शालीन का भांडा फोड़ देती है। टीना ने बताया कि शो में आने के बारे में जब पता चला तो शालीन ने एक कॉमन फ्रेंड के जरिए उन्हें मैसेज भिजवाया था। शालीन ने कहा था कि हम दोनों मिलकर खेलेंगे, कोई किसी को नॉमिनेट नहीं करेगा। इस सब के बीच टीना ने कहा कि शालीन का कहना था कि टीना, गौतम, मैं और साजिद सर एक टीम की तरह रहेंगे। टीना ने ये भी कहा कि शालीन ने भी वही पीआर रखी जो उनकी थी। टीना की बातें सुनकर प्रियंका कहती है कि इसका मतलब ये कि सब कुछ बाहर से प्लान करके आया है। तो टीना ने कहा कि हाँ, ये सब इसकी और गौतम की प्लानिंग थी, वरना तुम बताओ कि शो में आते ही गौतम और शालीन एकदम से कैसे इतने अच्छे दोस्त हो गए। टीना ने ये भी कहा कि गौतम और शालीन ने मिलकर सौंदर्या के बारे में गंदी बातें की थी। टीना ने शालीन के बारे में कहा कि उन्होंने उनसे कोई बेहद ही चीप चीज मांगी है। इस पर प्रियंका पूछती है कि क्या, तो टीना जवाब में कहती है कि वो बता नहीं सकती है कि क्या वो इतनी चीप बात है कि वो बाहर जाकर करेंगी, यहाँ कैमरों के सामने कुछ नहीं बता सकती है।